नमस्कार दोस्तों, मैं अमूल्य रत्न तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अमूल्य तिवारी करंट अफेयर क्लास में। दोस्तों बहुत से ज़्यादा कल कमेंट आए, उसमें से एक क्वेश्चन था कि SSC स्टेनोग्राफर के बारे में बताइए। दोस्तों जो भी वैकेंसियां निकलती हैं या जो वैकेंसियां निकली हैं आपने उनके बारे में फॉर्म भरा है, आप नहीं समझ पा रहे हैं। दोस्तों एक साइट है, वेबसाइट है सरकारी रिजल्ट। सरकारी रिजल्ट में तीन तरीके का रहता है, एक एडमिट कार्ड रहता है, एक लेटेस्ट जॉब रहता है और एक रिजल्ट रहता है। अगर आपने SSC स्टेनोग्राफर की फॉर्म भरा है तो आप उसी पे देखें, अगर उसका एडमिट कार्ड आ गया होगा तो आप एग्जाम दे सकते हैं, नहीं आया है तो फिर आप अभी वेट करिए उसके डेट का। तो दोस्तों जो भी वैकेंसियों के बारे में आप जो सरकारी रिजल्ट करके वेबसाइट है, सरकारी रिजल्ट वेबसाइट, आप उस पर देखा करिए। तो उस पर आपको आपके सारे जो लेटेस्ट जॉब हैं, जो जॉब आए हैं और जिसके आप फॉर्म भर चुके हैं, अगर उसके एडमिट कार्ड आ चुके हैं तो सारा चीज़ उस पर शो करेगा। दोस्तों आइए चलते अपने क्लास की तरफ, अपने करंट अफेयर क्लास की तरफ। आप डेली मेरा 10 मिनट का जो वीडियो रहता है उसको जरूर देखा करिए, ताकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हर एक टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिल सके। दोस्तों मैंने पूछा था कि APJ अब्दुल कलाम जी के जो ऑटोबायोग्राफी, उसका क्या नाम है, तो दोस्तों उसका नाम है विंग्स ऑफ फायर। जी हाँ, विंग्स ऑफ फायर नाम है उनके ऑटोबायोग्राफी का। आइए बढ़ते हैं अपने आज के क्वेश्चन की तरफ, आज के अपने क्लास की तरफ। तो दोस्तों जो मेरा पहला क्वेश्चन है, पहला क्लास, वो ये है कि हाल ही में ICC ने श्रीलंका के किस क्रिकेटर को क्रिकेटर पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया। जी हाँ, हाल ही में ICC ने श्रीलंका के किस क्रिकेटर पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। तो दोस्तों वो लगाया अकिला धनंजय। जी हाँ, अकिला धनंजय पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। दोस्तों श्रीलंका की बात करें तो अभी आप जानते हैं कि श्रीलंका में जो अजंता मेंडिस हैं उन्होंने संन्यास की घोषणा की थी, और जो लसित मलिंगा है उन्होंने 2 बार 4 बॉल में 4 विकेट लेने का कारनामा किया है। दोस्तों अगर ICC की यहाँ बात है तो आइए जानते हैं ICC के बारे में। ICC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी सन 1909 में। जी हाँ, सन 1909 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। दोस्तों ये जो दुबई में हेडक्वार्टर, ये सन 2005 से हुआ है। उसके पहले ICC का हेडक्वार्टर लंदन में हुआ करता था, सन 2005 से दुबई में हुआ है। दोस्तों इसके CEO हैं मनु साहनी। जी हाँ, जो ICC के CEO हैं वो मनु साहनी हैं, यानी वो भारतीय हैं, तो जो CEO हैं वो हैं मनु साहनी। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रांस के द्वारा हाल ही में भारत की वायुसेना को सौंपे जाने वाले लड़ाकू विमान का नाम क्या रखा गया। जी हाँ, फ्रांस के द्वारा हाल ही में भारत को सौंपे जाने वाले लड़ाकू विमान का नाम क्या रखा गया, तो दोस्तों उसका नाम रखा गया RKS भदौरिया। जी हाँ, आप जानते हैं कि भारत के अभी जो नए वायुसेना अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं उनका नाम है RKS भदौरिया, जो BS धनोआ की जगह लेंगे। दोस्तों फ्रांस की बात करें तो इसकी राजधानी पेरिस है, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम इमैनुअल मैक्रफ है। जी हाँ, इमैनुअल मैक्रफ जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। दोस्तों फ्रांस और भारत के बीच में 2 सैन्य अभ्यास होता है, एक होता है गरुण, एक होता है वरुण। जी हाँ, एक गरुण है और एक वरुण है, तो ये जो 2 सैन्य अभ्यास होता है ये फ्रांस और भारत के बीच में होता है। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में AIBA वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बॉक्सर कौन बने। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन है पहले भारतीय बॉक्सर कौन बने, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहाँ पे पहले भारतीय बॉक्सर की बात आती है वो क्वेश्चन अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो AIBA वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जो पहले भारतीय हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, दोस्तों उनका नाम है अमित पंघाल। जी हाँ, अमित पंघाल जी ने AIBA वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। दोस्तों जो AIBA है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है एमेच्योर इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। जी हाँ, एमेच्योर इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1946 में। जी हाँ, इसकी स्थापना दोस्तों सन 1946 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर लॉजेंस स्विट्जरलैंड में। जी हाँ, लॉजेंस स्विट्जरलैंड में। दोस्तों मैक्सिमम आपको हेडक्वार्टर मिलेंगे स्विट्जरलैंड में, इसलिए कभी कभी अगर एक क्वेश्चन होता है कि हेडक्वार्टरों का देश कौन सा है, तो स्विट्जरलैंड है। ये क्वेश्चन मैंने अपने तरफ से बनाया, हेडक्वार्टरों का देश स्विट्जरलैंड। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस वर्ष जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019 में भारत की रैंकिंग क्या थी। जी हाँ, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019 में भारत की रैंक क्या थी, तो दोस्तों भारत की रैंक 52 थी। जी हाँ, 52 थी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। दोस्तों
जहाँ पे इंडेक्स और रैंक की बात आएगी तो वहाँ पे दो चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, एक कि हमारे देश इंडिया का क्या रैंक था और दूसरा रैंक वन किसको मिला था। तो दोस्तों इसमें रैंक वन स्विट्जरलैंड को मिला था, जी हाँ रैंक वन किसको मिला था, स्विट्जरलैंड को मिला था और हमारे देश को 52 रैंक मिला था। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए बढ़ते दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये है कि भारत के किस शहर में स्कॉर्पियन क्लास की दूसरी पनडुब्बी INS खंडेरी को लॉन्च किया गया। जी हाँ भारत के किस शहर में स्कॉर्पियन क्लास की दूसरी पनडुब्बी INS खंडेरी, दोस्तों नाम क्या है, INS खंडेरी को लॉन्च किया गया, तो दोस्तों वो है महाराष्ट्र। जी हाँ महाराष्ट्र के मुंबई में स्कॉर्पियन क्लास की दूसरी पनडुब्बी INS खंडेरी को लॉन्च किया गया। दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी आप जानते हैं मुंबई है, वहाँ के जो CM है वो है देवेंद्र फडणवीस और जो गवर्नर हैं दोस्तों वो हैं भगत सिंह कोश्यारी। जी हाँ जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं दोस्तों वो हैं भगत सिंह कोश्यारी। दोस्तों महाराष्ट्र की जो दो प्रमुख लोक नृत्य है जिसको हम कहते हैं, एक को तमाशा और एक को लावणी। जी हाँ एक है आपका तमाशा और एक है लावणी, तो ये जो दो हैं महाराष्ट्र के दो प्रमुख लोक नृत्य हैं। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा। जी हाँ खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो दोस्तों वो आयोजित किया जाएगा गुवाहाटी में। जी हाँ गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तीसरा संस्करण आयोजित किया जाएगा। दोस्तों जो पहले दो संस्करण हुए थे एक दिल्ली में हुआ था और एक मुंबई में हुआ था, जो तीसरा संस्करण है वो दोस्तों गुवाहाटी में होगा। जो हमारे खेल मंत्री हैं दोस्तों वो कौन है, दोस्तों हमारे केंद्रीय खेल मंत्री जो हैं वो हैं किरण रिजिजू। जी हाँ केंद्रीय खेल मंत्री जो हुए हैं दोस्तों वो हैं किरण रिजिजू। दोस्तों ये गुवाहाटी है तो गुवाहाटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ कि इंडिया का फर्स्ट सोलर रेलवे स्टेशन जो बना है दोस्तों वो गुवाहाटी है। जी हाँ इंडिया का फर्स्ट सोलर रेलवे स्टेशन जो बना है दोस्तों वो गुवाहाटी है। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा दिवस मनाया है। जी हाँ हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा दिवस मनाया है, तो दोस्तों वो मनाया है मरीज सुरक्षा दिवस। दोस्तों ये जो दिवस मनाया गया है ये पहली बार मनाया गया, दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। WHO ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा स्तर पे मरीज सुरक्षा दिवस नाम का एक दिवस मनाया है। दोस्तों WHO की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। जी हाँ WHO की स्थापना दोस्तों 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जी हाँ WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में और जो दिवस मनाया उसको हम कहते हैं दोस्तों मरीज सुरक्षा दिवस। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। जी हाँ हाल ही में किस राज्य ने ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, तो दोस्तों आप जानते हैं कि निर्मला सीतारमण जो हमारी देश की वित्त मंत्री हैं फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसी के बाद दो राज्य ने इस फैसले को अपने राज्य में लागू किया और दो राज्य दोस्तों पंजाब और हरियाणा है। पंजाब और हरियाणा ने अपने राज्य में ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया है और इसको करने पर उन्होंने 1 साल की जेल और 1 लाख जुर्माना भी तय किया है। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वो है कि 2020 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले चौथे भारतीय पहलवान कौन बने। जी हाँ 2020 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले चौथे पहलवान कौन बने हैं, तो दोस्तों वो बने दीपक पुनिया। जी हाँ दीपक पुनिया ने चौथे पहलवान है जिन्होंने 2020 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। दोस्तों जो पहली थी वो थी विनेश फोगाट। जी हाँ विनेश फोगाट जी पहली एक पहलवान थे जिन्होंने 2020 के लिए क्वालिफाई किया था। दोस्तों बात करते हैं ये 2020 ओलंपिक तो ये होगा कहाँ, दोस्तों जो 2020 ओलंपिक है ये आपका होगा टोक्यो जापान में। जी हाँ टोक्यो जापान में 2020 ओलंपिक होगा और जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो इसकी स्थापना 23 जून 1894 में हुई थी। जी हाँ 23 जून 1894 को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर लॉजेंस स्विट्जरलैंड में। जी हाँ लॉजेंस स्विट्जरलैंड में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर है। हाँ ये बढ़ते अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे मिला था। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने अपने मन से बनाया है, जो राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार जो दिया जाता है हर साल
तो सबसे पहले राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसको मिला था? तो दोस्तों वो मिला था जगन्नाथ कौल को। जी हाँ, जगन्नाथ कौल को सन 1995 में, यानी 1995 से राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार, राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार मिल रहा है, और सबसे पहले जगन्नाथ कौल को मिला था। लास्ट ईयर यानी कि 2018 में, 2018 में गोपाल कृष्ण गांधी को ये अवार्ड मिला था, राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार। तो दोस्तों ये थे मेरे आज के 10 करेंट क्वेश्चन। मुझे आशा है कि आपको मेरे क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। और दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप अपने स्टडी ग्रुप में, आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए जो कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उनको बेनिफिट मिल सके। दोस्तों आज का मेरा क्वेश्चन है कि भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? जी हाँ, भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? दोस्तों इस मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए, कमेंट करिए। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।